जय हिंद। चलिए इस वीडियो में जानेंगे क्या डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 3, डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1 और पार्ट 2। इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके थे और यह वीडियो अपलोड भी हो चुका है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 3। हम लोग पार्ट 2 में यहाँ तक जान गए थे, जैसे कि यहाँ पे एसोफेगस है, चलिए हम लोग जान चुके थे। ड्राइंग थोड़ा अच्छा ना है, ये क्या था, हम लोग का क्या था, यह फूड पाइप था। क्या था, यह फूड पाइप था। ये क्या था, तो ये स्टोमक था, फूड पाइप था और ये स्टोमक था। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इंटेस्टाइन्स पर आते हैं, क्योंकि स्टोमक तक तो हम लोग जान चुके थे। स्टोमक का क्या काम है और उसका क्या नाम है हम लोग जान चुके थे। अब इसके पहले आते हैं खाना को यहाँ तक, ये स्टोमक तो है, स्टोमक के नीचे लाते हैं कहाँ पे, तो इंटेस्टाइन के, इंटेस्टाइन के। इंटेस्टाइन को कितने भागों में बांटा गया है, तो इंटेस्टाइन को तीन भागों में बांटा गया है। मान लीजिए फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया एंड ये थर्ड हो गया। थोड़ा बनाने ड्रॉइंग अच्छा ना हुआ। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। सेकेंड पार्ट को क्या बोलते हैं, तो जेजुनम। सेकेंड पार्ट को क्या बोलते हैं, तो जेजुनम। थर्ड पार्ट के इलियम। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट पार्ट को ड्यूडेनम बोलते हैं। सेकेंड पार्ट को क्या बोलते हैं, तो सेकेंड पार्ट को जेजुनम बोलते हैं। एंड थर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं, तो थर्ड पार्ट को इलियम बोलते हैं। चलिए अब यहां पर आता है, यहां पर एक आता है, क्या रहता है, इसका नाम रहता है पेनक्रियाज। क्या नाम रहता है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का क्या काम रहता है, पेनक्रियाज का क्या काम रहता है, जब स्टोमक में फूड जो एसिडिक रहता है, जो अम्लीय भोजन रहता है, उसको नीचे लाने के बाद क्या हो जाता है, यह बेस भोजन या क्षार भोजन हो जाता है। क्षार भोजन कैसे हो जाता है वो भी जानेंगे। अब पेनक्रियाज का क्या काम है, पेनक्रियाज कहता है जब भी हम खाना को पचाएंगे, जब भी हम खाना को पचाएंगे तो वह खाना क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए, यानी वह खाना क्षार होना चाहिए, तो अब हम खाना को पचाएंगे। और यहाँ पे जब स्टोमक में खाना क्या था, तो स्टोमक में खाना एसिडिक था, अम्लीय भोजन था। यहाँ पे इसको क्या चाहिए, तो इसको क्षार भोजन चाहिए। तो इसमें क्या क्या चीज का समझदारी होता है, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज को LAT। एक फॉर्मूला होता है याद करने का, इसमें क्या क्या चीज, इसे बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस निकलता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस निकलता है। इसे बोलते हैं पूर्ण पाचक, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस। इसे क्यों बोलते हैं, चलिए हम लोग जानते हैं। यहाँ पे निकलता है L रहता है, A रहता है, T रहता है, लैग फॉर्मूला होता है, मतलब याद करने का जो ट्रिक रहता है वो रहता है। तो इसमें क्या, अब आते हैं यहाँ पे पेनक्रियाज, तो इसमें समझौता क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। तो इसके समझाने के लिए, ये दोनों को झगड़ा को सुलझाने के लिए क्या आता है, इन दोनों झगड़ा को सुलझाने के लिए आता है यहाँ पे एक ग्लैंड रहता है। यह ग्लैंड का नाम क्या है, लीवर। लीवर एक सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ये आपको सभी को मालूम होना चाहिए। लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड रहता है। मान लीजिए लीवर है, ये लीवर हो गया और यहाँ पे गोल ब्लेडर हुआ, यहाँ पे गोल ब्लेडर हुआ, गोल ब्लेडर हुआ। लीवर का क्या काम रहता है, लीवर को बोलते हैं बाइल जूस, मतलब पित्त, पित्ताशय से पित्त निकालने का काम करता है। गोल ब्लेडर इसका नाम रहता है, इसको क्या रहता है, गोल ब्लेडर, गोल ब्लेडर। गोल मतलब क्या होता है, तो गोल मतलब पित्त होता है। अब ब्लेडर मतलब क्या होता है, तो ब्लेडर होता है मतलब थैली होता है। जैसे कि आप इस तरह समझिए, फुटबॉल में आप
फुटबॉल होता है, तो फुटबॉल को अंदर को क्या कहते हैं, ब्लेडर कहते हैं। ब्लेडर के अंदर हवा भरा जाता है, उसके ऊपर से कवर लगाया जाता है उसको प्रोटेक्शन के लिए। तो उसी तरह एक थैली होता है, या पीत हो गया, अब पीत को रखने के लिए क्या चाहिए, तो थैली चाहिए। तो थैली का काम क्या कहता है, ब्लेडर काम करता है थैली का काम, इसे बोलते हैं गॉल ब्लेडर। लीवर के पास इतना वक्त ही नहीं रहता है, इसको पास बहुत काम है, लीवर के पास बहुत काम है, तो यह पित्त बनाकर किसको दे देता है, गॉल ब्लेडर को स्टोर करो, स्टोर करके रखता है, जब इसको जरूरत पड़ता है तो यह छोड़ता है। और लीवर के पास बहुत काम है, इसीलिए इसको दे देता है। अब आता है जब आता है तो पित्त क्या रहता है, इससे तो झगड़ा नहीं ना सुलझाए, एसिडिक इसमें भोजन है, इसमें इसको बेस भोजन चाहिए, तो झगड़ा नहीं ना सुलझाया, ये झगड़ा सुलझाता है क्या, तो इसके अंदर पित्त क्या रहता है, वह बेस रहता है। पित्त क्या रहता है, तो वह बेस रहता है, इसका लगभग 8 एज के हिसाब से होता है, 8 या 9 लगभग रहता है, वह इतना छार रहता है, वह खाना को बेस बना देता है। तब तो इसका काम आसान हो गया और इसका प्रॉब्लम भी सोल्व हो गया, क्योंकि यह पैनक्रियाज को चाहिए बेस, बेस भोजन चाहिए, और यह बेस कौन कर दिया, तो यह पित्त कर दिया बेस। जब पित्त बेस कर दिया तो पैनक्रियाज को पचाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो यही एक एथी निकलता है या एंजाइम निकलता है, पित्त एंजाइम निकलता है। एंजाइम का क्या नाम है, LAT। एल से क्या होता है, लाइपेज, क्या होता है, लाइपेज इक्वल टू एल। एस से क्या होता है, एमाइलेज इक्वल टू ए। और टी से क्या होता है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इक्वल टू टी। क्या फॉर्मूला बन गया, LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या चीज को पचाता है, तो लाइपेज वो फैट को पचाता है। लाइपेज इसको ऐसे ही नहीं किया जाता है, पूर्ण पाचक रसी से ऐसे ही नहीं बोला जाता, इसमें हर तरह की एंजाइम निकलती है, जो हर तरह की एंजाइम को पचाता है, हर तरह के भोजन को पचाता है। तो भोजन में मिल क्या पाया जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फैट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, बस। तो लाइपेज क्या, लाइपेज मतलब लाइपेज किसको पचाएगा, तो लाइपेज पचाता है किसको, तो फैट को। लाइपेज किसको पचाता है, पचाता है लाइपेज फैट को। और एमाइलाइज किसको पचाता है, एमाइलाइज पचाता है ना, वह पचाता है भोजन को, पचाता है किसको, तो यह स्टार्च को, यानी मंड, इसे चोकर बोलते हैं, स्टार हिंदी को बोलते हैं चोकर, या देहाती भाषा में चोकर बोलते हैं, या उसे मंड कहते हैं। ट्रिप्सिन किसे पचाता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन ही सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है, सबसे कॉम्प्लेक्स चीज, इसको एक बार में नहीं पचाता है। पहले पहले थे पेट में भी प्रोटीन पचा था, अब इंटेस्टाइन्स में प्रोटीन, यहाँ भी प्रोटीन पच रहा है और इंटेस्टाइन्स में भी प्रोटीन पचेगा, समझ गए इतना, चलिए समझ गए। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, तो खाना आ गया, ये तो खाना के जब बोला दिया, तो ये मान लीजिए इसका यहाँ पे है और इसका यहाँ पे है, तो इसे कौन, ये इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में है, इसे कौन बताएगा, से खाना आ रहा है तो बेस छोड़ो, इसे कौन बताएगा, कैसे उसे पता चलेगा से यहाँ पे खाना आ रहा है, कोई होगा ना बताने के लिए। तो यहाँ पे क्या रहता है, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, चार पांच बार बोलिएगा याद हो जाएगा, कौन सा दो हार्मोन्स निकलता है, ड्यूडेनम पार्ट के, इंटेस्टाइन्स के फर्स्ट पार्ट के, जिसका नाम ड्यूडेनम है, उसमें दो हार्मोन्स निकलता है, इंटेस्टाइन्स में फर्स्ट रहता है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन का क्या काम रहता है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन पित्त को बोलता है, खाना को देखता है, यहाँ पे दरवाजा पर खड़ा है, खाना आ रहा है, मान लीजिए खाना आ रहा है, तो ये बोलेगा कोलेसिस्टोकाइनिन से पित्त को भेजो, तब तक खाना को छार बनाएगा, तो पित्त को भेजता है खाना को छाल बनाने के लिए। अच्छा, और यहाँ पे कौन रहता है, तो यहाँ पे एक और हार्मोन्स रहता है जिसका नाम है सीक्रेट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, या सीक्रेट,
सिक्रेटिन का क्या काम रहता है? जब यह एथी से होता है तो पेनक्रियाज से सिक्रेटिन छोड़ता है। पेनक्रियाज में जो इंटेस्टाइन्स के फर्स्ट पार्ट के ड्यूडोनम नाम के जो फर्स्ट पार्ट रहता है उसका नाम ड्यूडोनम रहता है इंटेस्टाइन्स के, उसमें कोलोसिस्टोकाइनिन रहता है जिसका काम रहता है पित्त को छोड़वाने के लिए काम, और सिक्रेटिन किसका पेनक्रियाज को छोड़वाने के लिए काम रहता है। जब यह भेजता है तो खाना मिलकर बेस बन जाता है। जब बेस बन जाता है तो सिक्रेटिन बोलता है खाना बेस आ गया, तू अपना एथी छोड़ो, एंजाइम छोड़ो। तो कौन सा एंजाइम छोड़ता है? एलेटिलेट, लाइपेज, एमालेज और ट्रिप्सिन, एमालेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन फॉर्मूला वाला छोड़ता है जिसे स्टार्च, फैट और प्रोटीन पचता है। समझ गए? अब आता है, ये तो खाना बच गया यहाँ पे, मान लीजिए अब कहिएगा सर बेस और एसिड, जब एसिड और बेस या बेस या एसिड मिलता है तो क्या चीज का फॉर्म करेगा? तो न्यूट्रल का फॉर्म करेगा। तो खाना जब न्यूट्रल हो जाएगा तो कैसे अब छान हो गया? तो जैसे कि आपको लोग समझा दे, जैसे कि दो पहलवान है, एक पहलवान न्यूट्रल कब होगा, जब मतलब उस सब में बराबरी कब होगा, जब एक पहलवान के मान लीजिए ए पहलवान है और ये पहलवान है, ये दोनों पहलवान की ताकत क्या रहेगा? सेम रहेगा। तब तो मारपीट करेगा तो मतलब लड़ाई करेगा तो उस क्या होगा, बराबर आएगा। लेकिन यह बहुत ज्यादा पावरफुल है और यह उससे कम पावरफुल है, तो ये इस पर हावी हो जाएगा कि नहीं? उसी तरह करता है। तो बेस बहुत ज्यादा मात्रा में छोड़ता है, समझ गए ना? तो एसिड को क्या करता है? दबा देता है। और इसलिए तो बोलते हैं चिकनों के लेने जाते हैं तो पीठ हटा दीजिए, नहीं तो गलती से अगर पीठ मीट पे पड़ गया, गलती से अगर पीठ मीट पीत मीट पे पड़ गया तो आप उसे कितना भी धोइए, उसे कितना भी धोइए वो उस मीट का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस पर बेस रहता है, वो बेस होता है उसका हिंदी होता है छार, वो इतना ना छार रहता है, उतना ना बेस हो जाता है, से आदमी को टेस्ट ही खराब कर देता है। चलिए ये तो आप सभी लोग जान गए, अब इसके बाद आगे आते हैं। अगर उतारना हो तो उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आते हैं ड्यूडेनम, जेजुनल और इलियम इंटेस्टाइन्स में आते हैं, ठीक है? इसे इरेज कर दे, कर देते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे अब इंटेस्टाइन्स में आते हैं। अब इंटेस्टाइन्स में क्या आता है? तो ड्यूडोनम के तो काम जान गए थे, यह दो हार्मोन्स रिलीज करता था जिसको कोलेसिस्टोकाइनिन बोलते हैं, जो पित्त को देखता था और उसे पित्त को छोड़ने आने के लिए बोलता था, और सिक्रेटिन था वो पेनक्रियाज को बोलता था उसे एंजाइम छोड़ो। वो कौन सा पेनक्रियाज कौन सा एंजाइम छोड़ता था? लैड फॉर ट्रिक वाला एंजाइम छोड़ता था, लाइपेज, एमालेज और ट्रिप्सिन। अच्छा अब आते हैं ड्यूडोनम पे, ड्यूडोनम हो गया, ड्यूडोनम की एक और वर्ड इसको यू शेप भी बोलते हैं, यू शेप क्यों बोलते हैं? अच्छा से ना बनाए देखिएगा तो यू शेप की तरह रहता है, इसे भी यू शेप ही बोलते हैं। अच्छा अब आते हैं जेजुनम के, मेनली ड्यूडोनम और जेजुनम, जेजुनम के थोड़ा काम रहता है, ड्यूडोनम के जेजुनम के थोड़ा काम भी नहीं रहता है। यह शाकाहारी जीवों में मतलब इंटेस्टाइन्स बड़ा रहता है, क्यों? क्योंकि पेट में तो खाना एकदम एडजस्टेड करके रखा गया था, इसमें एडजस्ट नहीं ना होगा, इसी कारण खाना को फैला दिया गया है, क्योंकि ये में कंप्लीट डाइजेशन होता है। इसमें इंटेस्टाइन्स में क्या चीज होता है? तो कंप्लीट डाइजेशन होता है, क्या होता है? तो डाइजेशन होता है, क्या होता है? तो कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो इसे अच्छा से ना करेगा तब ना डाइजेशन कंप्लीट होगा, तो उसे पतला बना देता है ताकि अच्छा से वह जो बचा खाना रहे उसे डाइजेशन कर देवे। तो जेजुनम के वही काम लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब आते हैं मेन बात इलियम, इलियम के लास्ट पार्ट रहता है, इलियम के जो लास्ट पार्ट में रहता है इसका नाम रहता है विलाई का क्या काम रहता है? अच्छा अब इलियम या इंटेस्टाइन्स में भी बताया है ना, ऊपर ही बताया है, सबसे कॉम्प्लेक्स क्या रहता है? प्रोटीन, जो पेट में पेप्सिन
ट्रिप्सिन, अच्छा पेप्सिन पचा, ट्रिप्सिन पचा क्या, किसे पचा, प्रोटीन को पचाया, यह दो पचाया किसे, प्रोटीन को, क्यों, क्योंकि यह सबसे कॉम्प्लेक्स रहता है, क्या रहता है तो प्रोटीन रहता है। लेकिन एक और बात, यहाँ पर भी इंटेस्टाइन्स में भी प्रोटीन को पचाया जाता है, कैसे पचाया जाता है अभी अभी ये जानिए, उस एंजाइम छोड़ा जाता है उस एंजाइम के, तो इसे याद करने का एक ट्रिक है PTI, अपने से याद करने के, जैसे PTI पेप्सिन ट्रिप्सिन और आई से क्या है इरिप्सिन, इरिप्सिन यह भी किसको पचाता है, यह भी तो प्रोटीन को ही पचाता है, समझ गए, पेप्सिन प्रोटीन और इरिप्सिन किसको पचाता है तो प्रोटीन को ही पचाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में बताते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का काम होता है मेनली ये जो विलाई नाम के थी है इसमें एब्जॉर्ब्स होता है, अवशोषण जिसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या चीज के एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, इसमें क्या चीज होता है एब्जॉर्प्शन किसका रहता है, इसमें एब्जॉर्प्शन फूड का रहता है। अब आते हैं यहाँ तक तो जान गए सभी, कोई उतारना है तो उतार दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लिए, तब तक हम लोग इरेज करते हैं।